Guest of today's auspicious day, Mr. S. M. Pandey sir, Joint Director and Registrar, Uttar Pradesh, Madrasa Road. The guest of honor, Mr. R. P. Singh sir, Joint Director, Minority Welfare Department, Director of Jersey sir, Central Command and Advisor, Richard Yasin sir. Principal of this esteemed institution, Ms. Sarah Sultan Ma'am, HODs, my most esteemed faculty, coordinators, and my dear students. First of all, I would like to congratulate you all on the 71st Independence Day of the Federation of India. We have been waiting for our chief guest since a long, long time. But the wait has not been for nothing. We are very delighted and express our gratitude that sir could spend moments from his precious schedule to grace the occasion. Mere pyare bachcho and my dear friends, बहुत लंबा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स थे, स्पीचेस भी हुए, कल्चरल आइटम्स भी हुए और आज़ादी की महत्व के बारे में सबने अपने अपने नजरियों से रोशनी डालने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने आज़ादी के बारे में, उसके संग्राम के बारे में इतिहास पर प्रकाश डाला और कुछ ने ये भी कहा कि असल में आज़ादी की गई है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज़ादी स्वयं में एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म और इसके अंदर बहुत सारे आयाम बहुत सारे पहलू हैं। बट टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस उसके अलग अलग फेजेस स्टेज इंडिपेंडेंस रिलीजियस इंडिपेंडेंस एथनिक इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एजुकेशन इंडिपेंडेंस हेल्थ एंड वेलफेयर इंडिपेंडेंस जो लोग इन सारे स्टेप्स को भी सही समझते हैं तो मैं उनको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एथनिक इंडिपेंडेंस की महत्व तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका में जाकर रवांडा में गुट्सु अपनी से अधीन वालों से पूछते कि सिर्फ एथनिसिटी की वजह से जिस देश में 10 लाख लोगों से ज्यादा का कत्लेआम हो गया उनका दोष ये था कि उनके पास एथनिक इंडिपेंडेंस नहीं। जिन लोगों को लगता है कि रिलीजियस इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है वो जाकर कभी सीरिया में यजदी और सीरियन क्रिश्चियंस के बारे में हालात पता करें कि रिलीजियस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है या म्यांमार में रोहिंग्या के लोगों का जिस हिसाब से जेनोसाइड हुआ है तो वो नाश देम अबाउट रिलीजियस फ्रीडम रिलीजियस इंडिपेंडेंस। जो लोग एजुकेशनल इंडिपेंडेंस का महत्व नहीं समझते वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में जाकर मलालन यूसुफ़ज़ई के गांव में जाकर पूछे जहां से पढ़ने के लिए लड़कियों को गोली मार दी जाती है। जिसको हेल्थ और वेलफेयर इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं पता वो थोड़ा सा इतिहास में जाए और जाकर देखे कि 1905 में जब बंगलौर में सूखा पड़ा था तो 5 से 10 लाख लोग भूखे तड़पते हुए मर रहे थे जबकि अनाज हिंदुस्तान में था लेकिन वो आजादी नहीं थी और उस अनाज को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में वहां के ट्रूप्स के लिए रिजर्व में भेज दिया गया कि हो सकता है कल को हमारे फौज को खाने की जरूरत पड़े। ये विंस्टन चर्चिल का बयान था कि अगर कुछ हिंदुस्तानी मर गए हैं तो मर जाए क्या फर्क पड़ता है लेकिन हमारे रिजर्व फूड हमारी फौज को जो जहर होती है अनाज होते हुए 10 लाख लोगों से ज्यादा भूख से तड़पते हुए मर गए। दैट वाज हेल्थ एंड वेलफेयर टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस। जब तक आप इन मुद्दों को जानेंगे नहीं आजादी की महत्वता आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में सिर्फ अपनी बात कहने के लिए लोग फांसी के सूली पर चढ़ रहे हैं। आज सही को सही गलत को गलत कहने के लिए इक्कीसवीं सदी में बहुत सारे देश बहुत सारे संप्रदाय बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां लोगों को गोली मारी जा रही है जेलों में घुसा जा रहा है। आप
आजादी के मायने उनसे पूछ लें। आजादी का मतलब सिर्फ बातें कहना नहीं है। क्या बदल गया जो अंग्रेज चले गए? अंग्रेजों से पहले भी हिंदुस्तान की आबादी थी, लोग जिंदा थे, काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, प्रशासन में थे, ग्रेजुएशन कॉलेजेस में थे, वकालत की पढ़ाई करते थे, अखबारों की नियुक्ति थी, दूध की किसानी करते थे, इंडस्ट्रीज थी। तो ऐसा क्या बदल गया? बदल गया निर्णय लेने का हक। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं ये काम करूंगा। तो देश का संविधान आजादी देता है, ये है आजादी। मेरी मर्जी होगी तो मैं जनेऊ पहनूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं पगड़ी पहनूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं टीका लगाऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं कुर्सी हटा लूंगा। ये है आजादी, ना किसी के कहने से, ना किसी और की मर्जी से, ये है आजादी। भारत का संविधान आजादी के लिए कहता है कि आपको जीने की आजादी है। जीने की आजादी के बारे में सबसे बेसिक जो रूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या है? सेवन होम सुप्रीम कोर्ट जजेस का फैसला है कि राइट टू लाइफ को जीने की आजादी अपने आप में सब्जेक्टिव टर्म है। अपनी तरह से जीना भी जीने की आजादी है। और अपनी तरह से जीने का मतलब है जब मैं चाहूं उपवास रख दूं, मैं जब चाहूं जो परिधान धारण करना चाहूं करूं, मैं जब चाहूं लखनऊ में काम करूं या मुंबई में जाकर रोजगार तलाशूं, ये आजादी है। मैं जब भी धार्मिक संप्रदाय से जुड़ना चाहूं, इसकी आजादी है। और अगर नहीं अग्री करता आपकी बात से, नहीं अग्री करता, नहीं इत्तेफाक रखता, इख्तलाफ है, तो अपनी बात को ना कहने की आजादी, आपकी राय में ना राय रखने की आजादी, ये देश का कानून हमें आजादी देता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज वी आर नॉट पेड अ प्राइस फॉर दिस फैक्ट। 1857 में भी लोग जिंदा थे, खुशहाली थी, किसानी थी, नवाब थे, राजा थे, लेकिन निर्णय लेने की ताकत नहीं थी। ऐसे अपनी मर्जी से निर्णय लेने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, बदल किया, रेबेलियन हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी, हंसते हंसते फांसी की सूली पर चढ़ गए, ताकि हम लोग यहाँ बैठ कर आपकी बात से इत्तेफाक रख सकें या आपकी बात से ना कर सकें। भारत माता की जय कहने से भारत के लिए प्यार नहीं बना जाएगा सिर्फ, लेकिन ना भी इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, सेवा का संगीत प्यार का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरा प्यार नहीं। जो माँ से प्यार करता है वो माँ का ध्यान रखता है। देश सिर्फ पहाड़ और जमीन नहीं है, देश के लोगों से एक बनता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रियान्वयन है, उसकी पहली लाइन है वी द पीपल, वी द पीपल फ्रॉम दिस कंट्री। अपने देश के वातावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए, अपने देश के कानून के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो इंसान वफादार नहीं है तो भारत का इंतजार नहीं कर सकता। यू मीन द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न द रियल डेफिनेशन कि माँ से प्यार करते हैं तो उसको दिन में 50 बार ये कहना कि माँ आपसे बहुत प्यार करते हैं उससे नहीं होगा। अगर वो किनारे की पूरी घर में पड़ी हुई है, उसका साथ रखने वाला कोई नहीं, उसका इलाज करवाने वाला कोई नहीं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला कोई नहीं, तो 50 या 100 बार कहने से भी आपका प्यार असल नहीं हो सकता। You have to understand and realize the quality of your independence by your students. Please learn the need. Having said that, family is not in this day life. The day आजादी को मनाने का, आजादी का जश्न मनाने का, अपनी खुशियों का इजहार करने का फैसला हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। Can't you understand, realize the gravity of this point? That is all I wanted to say to you. God bless you all and happy independence to you. Thank you.